नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर यानी कि जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें, आज के दिन एक बार फिर से हमें शेयर में वापस आकर देखने को मिल चुका है, जो कि 5% के आसपास देखने को मिल रहा है। शेयर का अगले 1 मंथ का चार्ट पकड़ो तो आप यहाँ पर देखोगे शेयर ने एक अच्छे खासे रिटर्न भी निकाल के दिए। अगले 1 महीने में शेयर में 7% तक ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। शेयर का अगले 6 मंथ का चार्ट पकड़ो तो शेयर ने एक अच्छे खासे रिटर्न भी निकाल के दिए, जो कि 20% के आसपास देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिलती जा रही है, जिसके बाद आपके क्वेश्चन देखने को मिले कि इस शेयर को होल्ड करके चलना चाहिए। तो आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। जेपी पावर की बात करें, कंपनी अभी के टाइम पर अच्छा खासा काम करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी जबरदस्त बाइंग होती हुई देखने को मिली है, जिसके बाद शेयर में काफी रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात देखने को सामने आती है। कंपनी के क्वालिटी फाइनेंशियल की बात करें, जो हमें एक टाइम पे रेड में देखने को मिलते थे, वो धीरे धीरे हमें ग्रीन में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। कंपनी एक अच्छा खासा जबरदस्त काम करती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टर रिजल्ट के बेस पर कंपनी के फंडामेंटल धीरे धीरे से लेकिन सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, वो भी हमें पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी धीरे धीरे से अपना लोन चुकाती हुई देखने को मिल रही है, जो कि इस पॉजिटिव माहौल में कंपनी में एक अच्छी खासी पिछले 1 साल से बाइंग होती हुई देखने को मिल रही है, जो जिसके बेस पे कंपनी ने पिछले 1 साल में 90% तक के जबरदस्त रिटर्न भी निकाल के दिए हैं। उसके बाद हमें शेयर कंसोलिडेटेड फेस में देखने को मिला, जिसमें आपके क्वेश्चन देखने को मिले होल्ड करके चलना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे कंपनी के फंडामेंटल सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी पैनी शेयर है, पैनी शेयर में सालों तक कंसोलिडेटेड फेस में भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई देखने मिले तो ये पैनी शेयर हमें 1 साल में 100-200% तक के भी जबरदस्त रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो अगर आपके पास शेयर है, मैं आपको ये बोलूंगा जिस हिसाब से कंपनी अभी काम करती हुई देखने को मिली, आपको इस शेयर को जरूर होल्ड करके चलना चाहिए। ये कंपनी अगर यहाँ पे कसोर पे तोड़ती हुई देखने को मिली तो एक अच्छा खासा जबरदस्त रन दिखाती हुई देखने को मिल सकती है, जो कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिला सकती है। तो अगर आपके पास शेयर है, होल्ड कीजिए। और अगर आप इस शेयर के अपडेट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम टू टाइम इस शेयर से जुड़ी हुई अपडेट लेके आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।